नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। बेतवा नदी पर बने पुल पर कल दोपहर एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें दो बाइक सवार युवक पुल के ऊपर से बहती हुई नदी में जा गिरे। जानकारी के अनुसार दीपक सन ऑफ कोमल यादव नेहरू नगर माता मंदिर के पीछे और मुकेश यादव हाल निवास नेहरू नगर ललितपुर बताया जा रहा है। ये लोग मध्य प्रदेश स्थित ग्राम चुरारी जिला अशोकनगर से अपने घर मोहल्ला नेहरू नगर जिला ललितपुर जा रहे थे। रास्ते में बेतवा नदी का भराव देखकर कुछ समय के लिए बेतवा नदी के पुल पर पानी के बहाव का आनंद लेने लगे, तभी अचानक उनकी बाइक असंतुलित होकर पुल के ऊपर से पानी में जा गिरी। ये घटना करीबन कल दोपहर 2 बजे से 3 बजे के बीच की है। जानकारी लगने पर राजघाट चौकी इंचार्ज अजय कुमार त्रिपाठी अपने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया, जिसमें पुल के ऊपर से गिरे हुए युवकों में दीपक यादव किसी तरह पानी में तैरकर बाहर से किनारे लग गए, लेकिन समाचार लगने तक मुकेश यादव की खोजबीन जारी है। घटना के समय मौजूदा लोगों के अनुसार दोनों लोग ललितपुर की तरफ अपना रुख किए हुए थे। सूत्रों के हिसाब से दोनों लोग बेतवा नदी से छोड़े जाने वाले पानी का नजारा देखने के लिए पुल पर रुके थे कि अचानक उनकी बाइक असंतुलित होकर पुल के ऊपर से पानी में जा गिरी। इस घटना से राजघाट क्षेत्र के आसपास के गांव में सन्नाटा छा गया है।